अलवर न्यूज के रिपोर्टर युवराज शर्मा के अनुसार थानागाजी विधायक कांति मीणा ने साइकिल यात्रा कर कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में साइकिल से यात्रा करना उपयुक्त है। देना चाह रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा कोरोना हट सके, उसके लिए देश में कोरोना की महामारी पहले से चल रही है और शायद दो लहर निकल गई, तीसरी लहर की भी संभावना बता रहे हैं। अब तीसरी लहर के लिए हम ये देना चाहते हैं संदेश, अब एक तो मास्क जरूरी है, दो गज की दूरी भी जरूरी है, एक सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। एक एक गाड़ी में 10-10 लोग बैठ के जाते हैं, भीड़ होती है, साइकिल से अलग अलग जाएगा तो एक संदेश मिलेगा, एक आदमी को अकेला रह के चलना चाहिए, चाहे साइकिल चले चाहे मोटरसाइकिल चले, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी तो कोरोना से बचाव हो जाए। कहाँ कहाँ रहेगा ये दौरा आपका? ये हमारे जो दिन तक चलेगा? ये मेरे विधानसभा क्षेत्र के दो ब्लॉक हैं, ये आज हम जा रहे हैं थानागाजी ब्लॉक में जा रहे हैं, एक राजगढ़ ब्लॉक है, ये सारे सरपंच साहब मेरे साथ हैं। अब हम पूरी ग्राम पंचायतों में जा कर के साइकिल से सबको संदेश देंगे और आगे भी सरपंच साहिबानों का कोई काम तहसील स्तर पे होगा तो साइकिल से आएंगे, साइकिल से जाएंगे, और मैं भी कोई कार्यक्रम वहाँ होगा 15 किलोमीटर के रेडियस में साइकिल से जाऊँगा, साइकिल से आऊँगा। कितने दिन तक चलेगा ये अभियान? परमानेंट मांग रहे साइकिल जब तक मैं हाँ जब तक मैं MLA हूँ, जब तक 15 किलोमीटर के रेडियस।